हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ गाजर का हलवा रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि मैं बहुत ही क्विक और इजी तरीके से बनाती हूं। इस वीडियो में मैं साथ ही वीगन ऑप्शंस के इंग्रेडिएंट्स भी दूंगी, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको मेरी अगली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो गाजर लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके छिलका उतार लिया है। आपने देखा होगा कि गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर को घिसना पड़ता है, जिससे कि बहुत ही टाइम वेस्ट होता है। तो मैं ये चॉपर यूज़ कर रही हूँ, जिसमें कुछ मिनटों में ही गाजर रेडी हो जाएगी। गाजर इस तरह चॉप करके इसे एक मोटे बेस के पतीले में डाल लें और तेज गैस यानी कि तेज आँच पे कुछ मिनट तक पकाएं। कुछ मिनटों में गाजर का जो पानी निकलता है वो सूखने लगेगा और गाजर नीचे पतीले में लगने लगेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, गाजर का जो पानी निकला था वो सूख गया है। अब आप इसमें 250 ml यानी कि 1 कप दूध डाल लें। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है यानी कि डेयरी से एलर्जी है, तो या आप वीगन हैं तो आप इसमें बादाम का दूध भी डाल सकते हैं। अब आप इसे कुछ मिनट तक मीडियम से तेज आंच पर पकाएं और गाजर को सॉफ्ट होने दें। जैसे कि आप देख रहे हैं, दूध यहाँ पर सूख गया है और गाजर थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है। मैं इसे 3 से 5 मिनट तक थोड़ा और पकाऊंगी, ताकि दूध बिल्कुल ही सूख जाए। फिर इसमें हम देसी घी डालेंगे। मैंने यहाँ 70 ग्राम देसी घी डाला है। आप इसे कम या ज्यादा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगेन, अगर आप वीगन है या लैक्टोज इंटॉलरेंट है यानी कि आपको दूध से एलर्जी है, तो इसमें आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। अब आप इसे धीमी आंच पे कुछ मिनटों तक ऐसे ही पकाएं। इसे बीच बीच में मिक्स करते रहें, ताकि ये नीचे ना लगे। और ऑयल या घी जो आपने डाला है, इससे आप देखेंगे गाजर के हलवे का जो कलर है वो और भी शाइनी और गहरा होने लगेगा। जब गाजर का जो कलर है वो चेंज होने लगे, वो थोड़ा गूढ़ा होने लगे, तो आप इसमें मीठा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 50 ग्राम यानी कि 50 ग्राम शुगर यानी कि चीनी डाल रही हूँ। मैंने मीठा थोड़ा कम रखा है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा मीठा चाहिए तो आप बहुत ही आसानी से चीनी बढ़ा सकते हैं। इसे 70 से 80 ग्राम तक चीनी इसमें डाल सकते हैं। अब आप इसका मीठा टेस्ट करके चेक कर लें और इसमें अपने पसंद के नट्स जैसे कि काजू, पिस्ता, बादाम डाल लें और इस डिजर्ट को गर्म या ठंडा एंजॉय करें। सो गाइज, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आप मिस ना करें। मैं नॉर्मली होम रेमेडीज़, DIY ब्यूटी और फूड रेसिपीज शेयर करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।